सिलेक्शन ओलंपिक्स गेम्स के लिए हुआ है, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं इसको मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। एमपी के लाल ने कर दिया कमाल, एमपी के लाल ने ओलंपिक में मचा दिया धमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। शुरुआत में जो मैंने आपको बात सुनवाई थी वही है एमपी के लाल विवेक सागर, जिनकी कुछ सेकंड की बात आपने सुनोगी शुरुआत में, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मेरा पहला ओलंपिक है और मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो मेमोरेबल हो जाए, यानी यादगार हो जाए। और ऐसा ही कुछ किया मध्य प्रदेश के इटारसी के पास चांदन गांव के रहने वाले विवेक सागर ने। भारत के अर्जेंटीना के खिलाफ खेले गए मैच में विवेक सागर के गोल की बदौलत इंडिया टीम पहुंच गई क्वार्टर फाइनल में। विवेक के प्रदर्शन की चर्चा पूरे देश में हो रही है, एमपी के लाल ने देश का मान बढ़ा दिया है। विवेक सागर बहुत ही छोटे से गांव से निकले, इटारसी के प्लेग्राउंड से हॉकी खेलना शुरू किया और यहीं से संघर्ष शुरू किया और तमाम बड़े टूर्नामेंट तक पहुंचे। यानी कि यूथ ओलंपिक में उनको बेस्ट स्कोरर तक का अवार्ड पहले मिल चुका है, इनाम मिल चुका है बेस्ट स्कोरर का। अब चूंकि विवेक का चूंकि ये मैच था, घर वाले टीवी पर नजर जमाए हुए बैठे हुए थे सुबह से मैच को लेकर। विवेक ने गोल दागा, उसके बाद खुशी छा गई और भारत ने ये मैच जीत लिया। अब इस जीत के बाद विवेक की चर्चा हर तरफ है, घर वाले खास से खुश है। जरा विवेक के पिता से सुनिए कि उनका बेटा कहता है कि उसे दो ही चीज चाहिए, या तो गोल या गोट। खुशी हो रही है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, गांव में, ग्राम में भी, और इटारसी शहर, जिला अपना होशंगाबाद में, और पूरे प्रदेश देश में खुशी का माहौल है। क्योंकि वो विदेशी धरती पर जाकर और देश के लिए खेला और एक गोल मारा, ये देखकर सबको बहुत खुशी बात होती है। तो आप तो आज भी बात हुई थी तो एक ही चीज बोलता है कि हमें गोल और गोल। अच्छा, सिर्फ देश के लिए गोल ही चाहिए, गोल चाहिए और गोल चाहिए। विवेक के पिताजी जितने उत्साहित हैं, उतने ही उत्साहित विवेक के भाई हैं, जो कह रहे हैं कि विश्वास है कि विवेक ने जो किया है तो ठीक है, लेकिन हॉकी में इंडिया को गोल्ड मिलेगा। विवेक के भाई की बात सुनिए। हाँ, वो तो है, विवेक का जो गोल था बहुत खुशी हुई सबको, और एक्सपेक्ट कर रहे थे हम आज नहीं तो कल गोल कर ही देता वो, क्योंकि वो बिना गोल के किसी सीरीज में जाए मतलब उसको भी अच्छा नहीं लगता है, वो गोल करना उसको भी, वो भी चाहता था गोल करना, और ओलंपिक में गोल करने की स्पेशल फीलिंग होती है, तो अच्छा लगा। और बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिया गोल्ड मेडल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे, क्वार्टर फाइनल जीते जल्दी से जो संडे को है, उसके बाद सेमीफाइनल। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।